नमस्कार, मैं हूं आशा। आप सभी का स्वागत करती हूं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस बीच चमकौर साहिब से चुनाव की शुरुआत करने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा चौथा चुनाव है, केजरीवाल से कहूंगा कि लाइन पार नहीं करनी चाहिए, ये पहले भी लाइन पार कर चुके हैं और फिर माफी मांगते हैं। गडकरी जेटली मंजीठिया से माफी मांगे, राजनीति में कोई शिष्टाचार है कि नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को काबू में रखें। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए ये भी कहा कि जब मैंने इन्हें काला अंग्रेज कहा तो कहते हैं कि क्या मेरे से रिश्ता करवाना है, मेरे घर की महिलाओं पर चले गए, पैसा किसी के यहाँ पकड़ाया, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है, पैसे मेरे घर से नहीं पकड़े गए हैं वरना ईडी मेरे घर रेड करती। मैंने पार्टी से इजाज़त मांगी कि मैं केजरीवाल पर मानहानि करूं, पर मेरे पास होर्डिंग लगाने के पैसे नहीं है। केजरीवाल के 200 करोड़ के होर्डिंग पंजाब में लगे हैं, मीडिया में विज्ञापन चल रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? गोवा से लेके उत्तराखंड तक केजरीवाल के होर्डिंग लगे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? आपका क्या कहना है चरणजीत सिंह चन्नी के इन आरोपों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ मिशन। धन्यवाद।